From the given graph, calculate distance traveled by a particle in 12 seconds. In 12 seconds. Class की शुरुआत में, last class related एक सवाल देते हैं ताकि आपको confidence बढ़े और कुछ नहीं. In 12 seconds. और कीजिए graph कैसे दिया? इधर time दिया हुआ है, इधर velocity दिया हुआ है, और graph कुछ ऐसा. ये आपका point क्या है, वो भी देख ले आप. मेघा ने कुछ पूछा है. हाँ मेघा, क्वेश्चन रिपीट करने बोल रहे हैं आप. फ्रॉम द गिवन ग्राफ कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 12 सेकेंड. या इन 12 सेकेंड, नॉट फर्स्ट 12 सेकेंड, इन 12 सेकेंड. और कुछ मैंने नहीं बोला. फिर भी कोई डाउट हो तो हाथ रेज ही रखिएगा. ये 5 मीटर पर सेकेंड में है. इस पर लीजिए 2, 4, 8, 10, 12, ये आपका 14, ये आपका 5, ये 14 का आपका ग्राफ है, ये है -5, और ये जो 12 पे आप देख रहे हैं लाइन, इस पर ये माइनस में 2.5. देखिए आप ग्राफ, इस ग्राफ को देखकर तुरंत आप आंसर बताओगे हमको कि क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 12 सेकंड. चलिए जल्दी से बनाइए. ये 37.5 आ रहा है. 37.5. एनीवन एल्स? 37.5. अच्छी बात है, 37.5 दोनों का आया. भैया 32.5. एक का 32.5 आया, सपोर्टर है. जो बोल मामा 37.5. किसी का भी हल्ला नहीं आना चाहिए, आपके लिए नुकसानदायक है. हम लोग क्या है, इसलिए रिक्वेस्ट है कि हम लोग मिलकर अच्छा पढ़ाई करें. हाँ, 37.5, 32.5 दो ही आंसर है, और कोई आंसर तो नहीं आ रहा. प्रॉब्लम ये हो रहा है कुछ लोगों के साथ, उनको एरिया निकालना है. ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी दिया रहे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी दिया रहे तो आपको पता है कि एरिया निकालने से डिस्टेंस निकलता है. एरिया निकाल, डिस्टेंस स्केलर है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता. पहले आप लोगों ने इसका एरिया निकाला होगा, ट्रेपेजियम का. इसका एरिया कई तरीकों से निकल सकता है. डायरेक्ट ट्रेपेजियम का निकालो पूरा, या तो एक ट्रायंगल का, फिर एक रेक्टेंगल का, फिर एक ट्रायंगल का निकालो, ठीक है. और फिर आपने ये छोटा सा एरिया निकाला हो, ये ट्रायंगल का, इसका एरिया आपने जब निकाला होगा, इसका एरिया, तो फॉर्मूला आप लिखा होगा हाफ बेस इनटू हाइट. तो 10 से जो बेस और हाइट, कई लोगों ने माइनस में 2.5 लिखा होगा मान लो, तो आपका ये आ रहा होगा 2.5 माइनस में. अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात होती तो आप माइनस यूज कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बोला है इसलिए अगर ये आया होगा आपका 35, या कुछ आया होगा, ये 35 आया होगा मेरे ख्याल से. इसका ये 35 आया है ना? हाँ भैया. तो बोलेंगे क्या? 35. ये 35 है. तो कुछ लोगों ने इसको ऐड किया तो उनका आया 37.5, और कुछ लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो उनका आया 32.5. तो असल में आंसर 37.5 है. क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस पूछा है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछते तो आप बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करते, कोई गलत नहीं है. तो याद रखिएगा, सवाल में डिस्टेंस बोला है या डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस दोनों में जाएगा, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ प्लस में आएगा, तो आंसर होगा 37.5. उम्मीद है कि आप इतने छोटे बच्चे नहीं रहे कि इसका एरिया नहीं निकाल सकते. ये 35 आएगा, ये 2.5 प्लस में हो गया, भले या माइनस में आ रहा तो भी प्लस में लो, तो डिस्टेंस निकालना. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड या कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 8 सेकेंड. कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. कौशल राज कुछ बोलना चाह रहे हैं? कौशल राज बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बोलिए. भैया अगर ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो माइनस में लगता थी, प्लस में माइनस लगता, तो ये इसलिए करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है. आप गिरा लीजिएगा. कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 8 सेकेंड.
ये ग्राफ में इधर वेलोसिटी है या टाइम है, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देख रहे हैं, बहुत आराम से सीख। अभी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे जाकर सीखे नहीं है, आधा क्लास आप सोच रहे हैं स्कूल के पीछा, स्कूल को पीछा करने के लिए आगे आगे भाग जाए, तो कोई फायदा नहीं है कोचिंग पढ़ के, कोई फायदा ही नहीं है ट्यूशन ज्वाइन करके। आराम से पढ़िए, थोड़ा मतलब पकड़िएगा, तुम सिखाएंगे हर चीज, हर टॉपिक को हम लोग चैप्टर बना के पढ़ेंगे, याद रखिए। इस वन यहाँ पे आपका ये पॉइंट आ रहा है टू, ये वाला आपका पॉइंट आ रहा है, तो चिंता हो गया, माफी चाहेंगे तो माफी चाहेंगे, पता नहीं क्या चिंता, तीन, इस वाले जो फोर फाइव जहाँ पे चिंता हो गया, माफी नहीं चाहेंगे हम, इस वाले जो सिक्स जो सेवन और ये आपका एट, ये आपका टू, एक बार में सही अंक समझिएगा, जो ग्राफ है वो इसमें दीजिए और सेट मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे फाइनल ये वाला आपका आ रहा है माइनस छः, यहाँ पर देखा जाए तो बताइए फिलहाल ये माइनस छः पे है, कहीं पे माइनस चार भी है, ये ग्राफ है आपको बताना है 8 सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, जो सही बताया मतलब हम खुश हो जाएंगे, और तो कुछ हो नहीं सकते, हम ऑफलाइन मोड में रहते तो कुछ चॉकलेट वॉकलेट दे देते हाथ से, आप ये लो चॉकलेट खाओ कुछ ऑनलाइन में, हाँ सॉरी, आप इस ग्राफ को देख के बताएंगे कि पार्टिकल ने पहले 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, भैया v का लोएस्ट वैल्यू क्या लिखे हैं वहां पर? जी -6, सॉरी -6, कोई भी दिक्कत आप प्लीज पूछे, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस ना, हमने दूसरा बैच बना दिया, उसमें भी 20 22 बच्चे नए आ गए, हम चाहते दोनों कंबाइन करके हम 60 बच्चों का बैच बना सकते थे, ऑनलाइन में हम 11th में 80 85 बच्चों का बैच एक ही साथ करते हैं, लेकिन 11th तो सिखाने का चीज है, स्टार्टिंग एटलीस्ट सिखाने का है, तो हम आसान से सबसे बात कर सके, इसलिए हम आपको अलग बैच में, हालांकि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, हल्ला ना करवा दे कहीं से, पर एक बार हमको कोई हल्ला मिला तो हम बैन करेंगे, ये तो दिक्कत हो जाएगा। फिलहाल आंसर बताइए आप, ऑप्शन में 11 नहीं है, चार ऑप्शन से हम ऑप्शन नहीं बोल रहे, 11 नहीं है ऑप्शन, रिकॉर्ड टेन, तुम बताया कि पूछा आपको समझ में नहीं आया, तुम डाउटफुल आंसर दे रहे हो, बोले एग्जैक्टली 10 मीटर है, बता 10 मीटर बता रहे हैं, भैया 10 10 मीटर, पता नहीं, यस सर 10 मीटर, ऑप्शन में 10 है लेकिन पिछला बार, हां सर 10, ओके वाह, अभी तेज हो गया भाई, फिर आपने ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ये वाला ट्रेपेजियम पूरा, ट्रेपेजियम में एक ट्रायंगल है जिसका एरिया होगा हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस हो गया 1, हाइट हो गया 4, ये बचा मेरे ख्याल से 2, और ये हो जाएगा आपका, ये भी 4 आया क्या? हाँ भैया, हाँ भैया, ये भी 4 आया, 8 = 4, फिर आप लोगों को ये ट्रायंगल का निकालना था, ये दिस वन, ये भी आपको A3 में दे देते हैं, A3 = आपको आया हाफ बेस इनटू हाइट, दैट मींस ये 3 आया आपका, और फिर आप लोग को ये तीनों वैल्यू प्लस में आ जाएगा,
ये तीनों पॉजिटिव साइन है, फिर आपको ये ट्रायंगल का निकालना होगा, हम बता नहीं रहे, फिर ये रेक्टेंगल का निकालना होगा, जो भी दोनों क्या प्रोडक्ट डिवीजन का निकालो एक साथ, ये माइनस होगा और फिर ये वाला आपका प्लस होगा, ये कितना आया था पूरा पूरी, पूरा पूरी बताएंगे 9 आया था माइनस में, और ये कितना आया था 8 हाँ चार, ठीक है, तो आपका चार तरह 11, 8, 19 में से 9 घटा आ गया 10। अगर डिस्टेंस पूछते तो 19 में 9 ऐड करना पड़ता, ये डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, इसीलिए आपको टोटल में ये भी प्लस में ये प्लस में, बस ये खाली माइनस में। इजी था सवाल, कब 13 होता है वो समझिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, from the given velocity time graph, क्या अभी हम इजी से उठा रहे हैं आपको, समझिएगा, किन्हीं का भी ग्राफ छूटा हो, कोई ग्राफ ना समझ पाया हो, सेकंड बैच भी आपके लिए है, फर्स्ट बैच वाले के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि वो दूसरे बैच में भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे है, उसमें भी एरर चल रहा है, एरर खत्म होगा आज तो शुरू करेंगे एरर एक तरह से हम, और अगले दिन फिर उनका फिर चलेगा वेक्टर शुरू होगा, तो जिनका जो छूटा हुआ है आप प्लीज उसमें कर सकते हैं, एक आपको फायदा है, वो आप में शौकी आ सकते हैं, लेकिन आप उसमें जाइएगा तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमको बोलिए कि भैया मुझे क्लास करना है, आपसे आप आईडी पासवर्ड हम भेज देंगे, आप कर लीजिए, ठीक है, आपको उसमें अटैच ही कर देंगे हम, फिर बाद में खुद बखुद हमको बोलिएगा, हम रिमूव आप कर देंगे, बिना बताए ऐसे लेट करते हैं तो हम पागल निकलता है, कौन है आपके अंदर सर? हां सर, वो सेकंड वाला फिगर का कैसे निकाले एरिया? इसका फिजिक्स कुछ है? हां सर, उसका सभी और देखिए, एक ये रेक्टेंगल From the given velocity time graph प्रैक्टिस करवाने के लिए स्पेशली अलग क्लास चुनी है, तो हम अभी चाहते तो बीटी ग्राफ एक्सप्रेशन शुरू करते हैं, खत्म करते हैं, कोई फायदा नहीं, बहुत बड़ा चीज बर्बाद हो जाता है ग्राफ। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट 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 डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, पहला नंबर प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा नंबर प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। From the given velocity time graph, plot distance time graph, plot displacement time graph. ध्यान दीजिएगा, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपको बताना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आराम से सोचिए, आराम से बनाइए, आपको कोई समस्या नहीं, बनाकर फोटो खींच के भेजिए, जिनका बन जाएगा। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, सोचिए, उसमें में हमारा 40 मिनट का मीटिंग बर्बाद होता है, लेकिन क्या क्लास में तो सही सोचते हैं, एक दिन में दो दो ग्राफ में क्लास हम निकाल देते हैं, तो नॉर्मल अभी शुरुआत की है, छोटे छोटे ग्राफ बना रहे हैं, एक बार में सीधे हेल्पी ग्राफ में नहीं कूदे, दोनों ग्राफ सेम ही होगा। हाँ जी, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले बना के भेजना है और फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हो सकता है दोनों सेम हो,
कोशिश कीजिएगा मीटिंग को कोई भी लीव ना करे, अगर ये सीखना चाहते हैं तो 28 लोग हम लोग आज, 2 लोगों का मैसेज आया था, यानी लोग 28 में बैठ गए हैं, कई लोग अपने आप को दूसरे बैच में शिफ्ट करवा लिए, ठीक है आपका है, कोई समस्या नहीं। देखिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं, पहली बात वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहाँ पे हम बगल में एक प्लॉट बना रहे हैं, आपको समय दिए ताकि आप खुद से बना के अपने आप को जज करें, हमको भेजने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, सुनना है। इधर साइड चूंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो नेगेटिव में होगा नहीं, इसीलिए हम नेगेटिव में नहीं जा रहे हैं, टाइम है इधर डिस्टेंस को एस लिख रहे हैं, एस टी ग्राफ डिस्टेंस। ये देखो आप ये बताओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। ये बताओ बन गया क्या, भेज दिया आप लोग कुछ बताना नहीं आपको बिल्कुल, जब तक हम बोले ना बोले नहीं बोलेगा, पूछेगा तो बोलिएगा, अभी ये ऐसे तो पूछते हो नहीं क्योंकि ऑनलाइन है इसमें हिंदी हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालिए। अब ये बताइए अगर आपको याद होगा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा बना देते थे तो आप कहते थे कि भैया ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि हर जगह थीटा कांस्टेंट है, और थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि टैन थीटा कांस्टेंट। लेकिन अगर वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ऐसे बनाते इस तरह से, तो आप कहते थे कि भैया इसमें है तो समय के साथ एंगल है तो बढ़ते जा रहा है, पहले यहाँ था फिर यहाँ था फिर यहाँ गया तो एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब टैन थीटा बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है भैया, तो वेलोसिटी बढ़ने के लिए पेट पचका देते थे, पेट पचकाना मतलब कॉन्केव बनाना। और अगर वही हम बोलते कि भैया नहीं समय के साथ तो अगर ग्राफ हम ऐसे बनाते तो आप ये, लेकिन ग्राफ होता डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आप स्लोप ऐसे बनाते ऐसे, और समय गया तो और आगे और आगे और आगे, तो आप कहते कि भैया ये एंगल झुकते जा रहा है, एंगल कम होते जा रहा है मतलब टैन थीटा भी कम होते जाएगा, इसका मतलब कि वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटना और वेलोसिटी बढ़ना दोनों चीज में समझिए, हम यहाँ से अगर आप मेरे इलाके के हैं जैसे हम किसका मोन है, तो यहाँ से आप जा रहे हैं रातू रोड, लेकिन आप लोगों से कई लोग कंफ्यूज करेंगे इसे, कई लोग कुछ लोग बाहर से भी क्लास करते हैं तो बिहार वहार से भी है तो उनको बता दें, अगर हम जा रहे हैं रांची से पटना तो अभी बाइक चला रहे हैं, मान लो रांची से पटना जा रहे हैं बाइक या कार जो भी आपको पसंद हो चला, अगर आप 60 की स्पीड में और फिर एक्सलरेट कर रहे हैं बाइक को 70, 80, 90, 100, जा तो रांची से पटना ही रहे 80, 90, 100, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर आपको ब्रेक मारा रुकना है तो आप एक्सलेटर को लूज कर रहे हैं तो आपका बाइक घटेगा 90, 60, 50, 40, 30, तो वेलोसिटी घट रहा है लेकिन अभी भी जा रहा है रांची से पटने की ओर ना। कभी सुने एक गाड़ी को स्लो किया तो गाड़ी अपने आप पलट के पीछे भागने लगा, नहीं, इसका मतलब ये कि वेलोसिटी बढ़ना घटना दोनों ही पॉजिटिव रहा, सेम डायरेक्शन में रहा। हाँ अगर वेलोसिटी नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन ही बदल गया, लेकिन अगर आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो आपका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और वेलोसिटी घट रहा है तो भी डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, पहले 90 का स्पीड से आप रोड कवर कर रहे थे, अब 60 का स्पीड से 70 का स्पीड से या 50, 40, 30, लेकिन रोड तो आगे ही ना बढ़ रहा है, भले उतना तेजी से नहीं बढ़ेंगे, दोनों ही केस में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। कई लोग बोलते हैं वेलोसिटी बढ़ा तो डिस्टेंस इंक्रीज, अब वेलोसिटी घटा तो भैया डिस्टेंस घटा दे, फिर तो समझा दे, रांची से पटना जा रहे हैं 100 का स्पीड में, अगर आप स्पीड कम भी कर रहे हैं तो भी तो आप रांची से पटने की ओर जा ही ना रहे, भले स्लो जाए चाहे फास्ट जाए लेकिन जा तो रहे उधर ही ना, यानी डिस्टेंस भी बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, याद रखिएगा दोनों ही पॉजिटिव में जाएगा। तो ये ग्राफ था, एक था कॉन्केव एक था कॉन्वेक्स, एक का पेट पचका हुआ एक का पेट खुला हुआ, पेट खुला हुआ जब भी बनाना है याद रखिएगा डिस्टेंस घटेगा वेलोसिटी घटेगा, और पेट पचका हुआ बनाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, इतना हम लगभग क्यों किए हुए समझते हैं। और स्ट्रेट अगर आप समझिए पहला 2 सेकेंड 0 से 2 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी घट रहा है बढ़ रहा है कांस्टेंट, तो आप बोलेगा भैया 0 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 था और 2 सेकेंड तक आते आते वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 10 पे पहुंच गया, मतलब 0 से 2 के बीच में वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, देख रहे ना ग्राफ जो भी है वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना मीटर पर सेकेंड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। तो आप गौर करो सीखने के लिए सीख लो तो बाद में कष्ट होगा, 0 से लेकर 2 सेकेंड 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में और इसके 2 सेकेंड को बढ़ा, 0 से लेकर 2 सेकेंड के बीच में आपका जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसका एरिया होगा
हाफ बेस 2 मीटर का, हाइट 10 का है, यानी डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर और ये वेलोसिटी बढ़ते हुए गया है, वेलोसिटी बढ़ते हुए गया है मतलब क्या आप यानी किस तरह से देख रहे हैं कि जेट 2 पे हमको लाना होगा इसको दो पे मान लो ये 10 मीटर है, 10 और ये आपका ऊपर ये 2 मतलब इस तरह देख रहा है पेंट पचका हुआ ग्राफ बना है। इस ग्राफ को देख के क्या समझ आता है कि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते 2 सेकंड पे कितना पहुंच चुका है, 10 मीटर की दूरी कवर कर चुका है। 10 मीटर की दूरी कैसे बना है, एरिया से जाने ठीक है। अगले 2 सेकंड से लेके अगले 6 सेकंड तक, 2 से लेके अगले 6 सेकंड तक आप बताइए क्या हुआ, क्या हुआ होगा, पार्टिकल का वेलोसिटी ना घटा ना बढ़ा, क्या रहा कांस्टेंट, क्योंकि सीधा लाइन है, कांस्टेंट मतलब कितना स्पीड रहा पार्टिकल का, 10 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड रहा 10 मीटर पर सेकंड। गाड़ी ना तेज करना स्लो, जो स्पीड उसी से है, तो कितना दूरी कवर किया, तो दूरी कवर किया मतलब ये वाला एरिया बताना होगा पूरा रेक्टेंगल का, इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ 2 से 6 तक हो गया 4 और ये हो गया आपको 10, तो 4 इनटू 10 40 मीटर आया मतलब हमको जगह नहीं बचेगा बच्चों, मतलब कि हमको थोड़ा सा ग्राफ में जगह बचा के चलना होगा, बोर्ड मेरा छोटा हो गया है देखो आपका 10 कहें 50 60 70 उसके बाद 2 सेकंड से 6 सेकंड तक और कीजिए, 2 से 6 सेकंड तक क्या स्थिति है, 2 सेकंड अगला मीटिंग किसी आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करना है, समझ चुके हैं, अगला मीटिंग किसी आईडी पासवर्ड से ज्वाइन करना है, कोई नया नहीं। अब देखो 2 के बाद 4 और 6 पे आते आते पार्टिकल यहाँ पे यहाँ चला है 40 मीटर पहले से 10, यानी टोटल हो गया 50 अब आपको यहाँ पे 6 पे देखिए मतलब 6 पे थोड़ा आगे चला जा रहा है, कभी कोई बात और कीजिएगा आप एक बार, ये ग्राफ स्ट्रेट क्यों बनाए हम, मेरा स्ट्रेट तो हमेशा मोली था, वहां मिलाना यहाँ मिलाना, आप स्किल रखना स्किल से चार से मिलाना। देखो मेरा ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट क्यों गया, क्यों गया भाई स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे थीटा कांस्टेंट रहेगा, किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे थीटा क्या रहेगा, कांस्टेंट 2 सेकंड पे 6 सेकंड के बीच में थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, टाइम थीटा कांस्टेंट, हम एसटी ग्राफ का टाइम थीटा क्या देता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना कांस्टेंट। अब गौर करो आप वेलोसिटी घटना शुरू किया, घटते घटते फिर लास्ट में वेलोसिटी कितना हो गया है, 0, अब वेलोसिटी 0 हो गया है 8वें सेकंड, लेकिन पार्टिकल आप गाड़ी चला रहे थे 60 के स्पीड में कांस्टेंट था, अब रोकना शुरू किया, ब्रेक मारना शुरू किया, गाड़ी डिस्क ब्रेक नहीं है, धीरे रोक रहे हैं 60 50 40 30 20 10 0, अब तक रोड से गाड़ी आगे बढ़ा होगा ना, डिस्टेंस तो कवर हुआ है, इस बार कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये वाला एरिया बेस हो गया 6 से 8, 2 हाइट 10, फिर से 10 मीटर 50 था और 10 8, और करना इस बार 50 से 7 कर रहे हम, अब और करो पेट पचका है, पेट फुला दिए दिख रहा है आपको, और लास्ट में इसको प्लेन क्यों कर दिए, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर सीधा लाइन रहता है तो इसका ये पैरेलल है, तो मतलब थीटा 0 है, तो टैन थीटा भी 0 होगा, तो वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 0, 8वें सेकंड में वेलोसिटी 0 हुआ है ना, इसीलिए वेलोसिटी कम होते होते हम सीधा कर दे, सीधा कर दे यहाँ, मतलब ये पैरेलल लाइन हो गया यहाँ पे थीटा, इसलिए लास्ट में 8वें सेकंड में हम सीधा कर दिए, तो क्या ये ग्राफ आपको हल्का हल्का समझ में आया, देखिए पहले वेलोसिटी बढ़ते गया, वेलोसिटी कांस्टेंट रहा और वेलोसिटी फिर घटते गया, और घटते कितना हो गया 0, कौन सेकंड पे, 8 सेकंड पे, ग्राफ में थोड़ा ऊंचा होता है लेकिन ट्राई करेंगे तो अच्छे से बनेगा, कॉपी बताइए कैसा आपको लगा, ये समझ में आया या नहीं, नहीं आया आप प्लीज बोलिए, कोई स्टेप पे दिक्कत हुआ दोबारा जानना हो, मतलब कोशिश किया कि हर चीज को तोड़ के बता दे, आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट खुद लीजिए, अब आप
अब आप प्रो लेवल पे हो गए हैं ऑनलाइन क्लास में, वैसे हम इसमें कोशिश करें कि इसमें डाल दें, क्या कहते हैं उसको भाई, यूट्यूब पे, ओके। लेकिन हमको आप भरोसा नहीं है कि आपने सीखा या नहीं, इसीलिए आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके बोलिए मेघा, प्लीज बोलिए। भैया बीच में जो कांस्टेंट वाला वो फिर से बताइए ना। और कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो हमसे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने कोई बोलेगा तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन का वो खुद होता है सीधा, तो इसका मतलब कि थीटा हर जगह कांस्टेंट है ना। जैसे कि इस केस में थीटा कांस्टेंट नहीं था, इस पॉइंट पे एंगल ऐसा था, इस पॉइंट पे एंगल ऐसा था, टेंजेंट बदल रहा था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में तो थीटा बदला, थीटा कांस्टेंट मतलब टैन थीटा कांस्टेंट, और टैन थीटा ही तो वेलोसिटी देता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से ग्राफ हमारा, चूंकि यहां वेलोसिटी कांस्टेंट था इसीलिए हमें यहां से स्ट्रेट करना था, तो दिक्कत नहीं। अब इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया मेरा, नहीं दिक्कत हो? हां भैया ठीक है। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपसे हम पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यहाँ पे वेलोसिटी कहीं भी नेगेटिव में नहीं हुआ है, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब कि नीचे की ओर वेलोसिटी नहीं गया है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव में होता तो भी डिस्प्लेसमेंट होने से डिस्टेंस कुछ कम होता, मतलब हम रांची से पटना जा रहे थे अब बाइक घुमा के लौट रहे तो कुछ मेरा वैल्यू घट जाता, लेकिन यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव में ही है, इसीलिए इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों सेम बनेगा, ये लिख लेना है, दोनों सेम बने, समझ जाना है, मतलब अपने दिमाग में रखना है। ग्राफ सीख रहे हम लोग, आज टॉपिक हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। क्वांटिटी पे जाइए, कोर्स खत्म करवाए तो भाई बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। इस मीटिंग में 5 मिनट है, आज हम 2 बजे क्लास शुरू किए हैं, मेरा खुद का प्रॉब्लम था, अभी तो हमारे पास बहुत समय है, 35 मिनट है अभी हमारे पास, अगला मीटिंग का समय तो नहीं होता है, इसके हिसाब से 3-5 तक क्लास करते हैं तो अभी हम सीखेंगे, और अगला मीटिंग तुरंत ज्वाइन कीजिएगा, खाने पीने मत जाइएगा, इसलिए बोल रहे हैं बार बार, खाने पीने के चक्कर में रह गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से आपको क्या करना है, एक हमारे लिए प्रैक्टिस के लिए बनाकर दिखाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। मेरा फोन अभी खराब है, फोन सर्विस सेंटर पे है, इससे बचने के लिए मेरा एक नंबर चालू है 720 वाला, फोन कीजिएगा तो उसी पे लगेगा, 90313 पे नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप आएगा सिर्फ 90313 पे, क्योंकि वो ही व्हाट्सएप चालू, मेरा पर्सनल नंबर का व्हाट्सएप बंद रखे हैं, मेरे पास पास एक ही फोन है और ये भी बिल्कुल हालत से खराब है, अगला ग्राफ आपको बनाना है और फिर प्रैक्टिस कर देखना है, भेजने का तो भेज दो, कोई बात नहीं। प्लॉट पहला नंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा नंबर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा नंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूसरा नंबर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वर्मा जी खोज रहे हैं, कहाँ गए वर्मा जी, यहाँ है वर्मा जी, वर्मा जी बोले तो एच सी वर्मा, काफी अच्छी किताब, आप सिंगेज विंगेज भी बनाते रहे, सब अच्छी अच्छी किताबों को फॉलो करें, एच सी वर्मा को जरूर फॉलो करें, अच्छी किताब है। हाँ समय के साथ कुछ चीजें इसमें भी नहीं है तो वो हम आप लोग को सिंगेज और इसी पांडे इसके थ्रू तो कर ही रहे हैं हम लोग, इसी का सवाल देते हैं। बेटा इसको जो खूब सोचना है, खूब दिमाग लगाना है, आपको तो कभी कभी लगेगा दिमाग खराब हो जाएगा सवाल बनाते वक्त, तो आसान सवाल हो जाए, फिर भी हार नहीं मानना है, ग्राफ सीख के ग्राफ के लेवल प्रो बन जाना है, प्रो आप लोग प्रो में बहुत यूज करते हैं ना, प्रो है, प्रो बन जाओ। ये रहा आपका एक ग्राफ, सबसे पहले बनाने वाले को इनाम में एक और ग्राफ दिया जाएगा, दिस वन इज योर टाइम, दिस वन इज योर वेलोसिटी, इधर साइड आपका अपनी वेलोसिटी है, तो कैसा है ग्राफ, 10, 20, 40 ओके, दिस वन इज योर 10, 20, 30 and 40, दीज आर इन सेकंड्स, वेलोसिटी का वैल्यू आपका इन मीटर पर सेकंड, ऑब्वियस सी बात है ये वाला आपका
प्लस 5 मीटर पर सेकंड एंड दिस वन इज योर माइनस 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको इसको देख के डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। ये मीटिंग 2 मिनट में ओवर होगा, उससे पहले भी ये मीटिंग चालू है, कुछ पूछना हो बोलना हो आप बोलिए, अगर अभी बना लेते हैं तो कुछ भेजिए। 10 इसके साथ होना चाहिए, स्क्रीन पर तिरछा दिखता है, हम इतना नजदीक सेट के बना रहे हैं कि खुद तो नहीं आता लाइन सीधा आ जाए, तो बना कर भेजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी। किन्हीं के पास एनसीईआरटी है अभी? एनसीईआरटी पार्ट वन किन्हीं के पास है? हाँ भैया, कौन है बोलो बोलो। हाँ भैया है। एक काम करो, उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक्सरसाइज जब बोलोगी ना, तो एक्सरसाइज जहाँ शुरू हुआ उसके पीछे पेज का फोटो खींच कर भेज दो, पीछे साइड में क्वेश्चन है उसमें भी कुछ सवाल है, प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि बुक मेरा बहुत यहाँ बिखरा पड़ा है, उसमें से आसान है आप ही लोग भेज दो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन भैया एक्सरसाइज का फोटो भेज दो, सारा फोटो एक्सरसाइज जो है ना बुक का 3 पेज। हाँ हाँ अभी भेज दे। अभी तो अब तुम लोग प्रैक्टिस करवाना है तो अच्छा ठीक है भैया। 903133 वाले नंबर बाकी लोग इसका आंसर भेजे, और अगर ये मीटिंग बंद होता है तो तुरंत अगला मीटिंग ज्वाइन करें। किसका आंसर सही होता है मुझे देखते हैं।